हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं स्मिता और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ समर टिप्स जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ये टिप्स एंड ट्रिक्स। फर्स्ट टिप काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि ये है वाटरमेलन से लेके। कई बार जब हम मार्केट जाते हैं वाटरमेलन खरीदते हैं तो किस तरह का वाटरमेलन खरीदें, वो सारी चीज़ों के बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। पर जब हम वाटरमेलन खरीद के लाते हैं और वो बड़े साइज़ का है और हम उसे पूरा यूज़ नहीं कर सकते, तो उसका आप ये कर सकते हैं कि दोनों तरफ से उसको कट कर लें और बीच का पोर्शन पहले यूज़ कर लें। अगर आपका हाफ़ यूज़ होता है तो आप हाफ़ यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे दो तरफ वाला पोर्शन मैंने कट कर लिया है और इन्हें मैं कवर कर दूँगी सेलोफिन सीट के साथ में। तो ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाते हैं और फिर आप इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब भी आपको यूज़ करना है जस्ट ये शीट हटाकर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इनको एयर टाइट करने से ये ख़राब नहीं होंगे। अगर आप ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल भी खाने लायक नहीं रहता है तरबूज। और जो बीच का पोर्शन है उसे मैं यूज़ कर रही हूँ। और अगर कई बार होता है कि जो आप यूज़ कर रहे हैं तरबूज उसमें से भी तरबूज बच जाता है, जैसे ये तरबूज मेरे पास है, इसके मैंने सीड्स क्लीन किए हुए हैं बट ये खाने के बाद भी बच गए हैं, तो इनको स्टोर करने के लिए मैं इन्हें फ्रीज़ करूँगी। इन्हें मैं इस तरह से बॉक्स में बंद करके फ्रीज़र में रख दूँगी। और ये जो आप फ्रीज़र में रखेंगे इसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसे भूल भी जाए तो भी ये ख़राब नहीं होगा। तो जब फ्रीज हो के ये इस तरह से हो जाएगा, इसे आप ग्राइंड कर ले तो बहुत अच्छी वाटरमेलन आइसक्रीम बन जाएगी। और नहीं तो आप इससे कोई भी ड्रिंक बना सकते हैं, जैसे वाटरमेलन मोइतो या फिर कोई और वाटरमेलन का जूस। और अगर आप इस तरह से फ्रीज नहीं करना चाहते तो आप इनको इस तरह के पॉप्सिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। गर्मियाँ हैं तो सभी को ठंडा पानी पीना पसंद होता है, और ये ठंडा पानी अगर फ्रिज का नहीं मटके का हो तो क्या बात है। बट अगर मटके में आप चाहते हैं कि पानी ठंडा रहे तो आप एक तो ये कर सकते हैं कि जहाँ पे आप मटका रखें उसके बेस में आप रेत लगा लें और रेत के ऊपर उसे रखें हल्का सा गीला करके रेत को, या फिर एक गीला कपड़ा लेके इस तरह से मटके को कवर करके रखें। तो उससे बहुत ही ठंडा पानी होता है मटके का और आपको फ्रिज के पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। मेरी थर्ड टिप भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हमें घर पर कोई ड्रिंक बनाना होता है, ये शरबत, क्योंकि गर्मियां हैं तो जब भी कोई आता है तो हम कोई ना कोई शरबत सर्व जरूर करते हैं। तो किसी भी शरबत को बनाने के लिए हमें मीठा चाहिए होता है, मीठा यानी कि शुगर। तो शुगर अगर डिज़ोल्व फॉर्म में हो यानी कि सिरप के फॉर्म में हो तो वो जल्दी घुल जाती है शरबत में और शरबत बहुत आसानी से जल्दी बन जाता है। तो आप हमेशा घर पर एक शुगर सिरप प्रिपेयर करके रखें, उसमें आप जितना पानी लें उसका हाफ शुगर डाल के उसे मिक्स करके एक बॉईल दे दें और इस तरह से इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। जब शरबत बनाना हो फिर आप उसे बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। टिप नंबर फोर काफ़ी सिंपल बट काफ़ी यूज़फुल है। आजकल आम का सीज़न है तो हर घर में मैंगो हैं, और मैंगो हैं तो फिर मैंगो शेक तो हर रोज़ बनता ही है। और जब भी हम मैंगो शेक बनाते हैं तो ये होता है कि जब हमें दो ग्लास बनाने हैं तो वो एक्स्ट्रा बन जाता है, फिर उसका क्या करो, ये प्रॉब्लम रहती ही है। तो आज मैं उसी का सलूशन आपको बता रही हूँ। मेरे पास साथ जब ये होता है तो मैं उसका क्या करती हूँ, मैं पॉप्सिकल स्टैंड लेके उसमें इसको सेट करने रख देती हूँ। और इस तरह के जो पॉप्सिकल बनते हैं वो बहुत ही यमी बनते हैं, और बच्चों को दिन भर कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। तो आप उन्हें इस तरह से इनको सेट करके पॉप्सिकल दें तो बच्चों को मैंगो शेक का फ्लेवर रहेगा, साथ में वो पॉप्सिकल भी इंजॉय करेंगे। तो इस तरह से मेरी ये बचे हुए मैंगो शेक की प्रॉब्लम तो हो गई है सॉल्व। आप भी ये ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि कितनी हेल्पफुल है। टिप नंबर फाइव है ड्राई फ्रूट्स को लेके। जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनका हम मैक्सिमम कंजप्शन करते हैं विंटर्स में, बट ये हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। तो अगर इनको समर में हम यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरह से ठंडाई पाउडर बना सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट को सोक करके किसी ड्रिंक में यूज़ कर सकते हैं। ठंडाई पाउडर में मिश्री होती है, गुलाब होता है, सौंफ होती है, तो इनकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है। तो इस तरह का ड्रिंक अगर आप सर्व करेंगे तो ये काफ़ी ठंडक देने वाला होता है और समर में भी आप ड्राई फ्रूट का एंजॉय कर सकते हैं। टिप नंबर सिक्स भी समर में काफ़ी यूज़फुल रहती है। जब भी हम कोई ड्रिंक बनाते हैं
तो हम उसमें आइस डालते हैं। आइस डालने की वजह से जो ड्रिंक का टेक्सचर होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि आइस मेल्ट होती है उसके बाद उसमें पानी पानी हो जाता है, तो अगर मीठा भी थोड़ा सा कम लगने लगता है और टेस्ट भी थोड़ा सा बिगड़ जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फ्रूट्स को इस तरह से क्यूब्स में जमा सकते हैं। अगर आप कोल्ड कॉफ़ी बना रहे हैं तो कॉफ़ी को क्यूब्स में जमा सकते हैं। तो अब जब इसको ड्रिंक में ऐड करेंगे तो वो उसको डाइल्यूट नहीं करेगा बल्कि उसके टेस्ट को इन्हांस करेगा। तो आप ये ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। टिप नंबर 7 लेमन को लेके है। समर है और हम लेमन की बात नहीं करें, ऐसा हो नहीं सकता। लेमन हम जब बहुत सारे लेकर आते हैं तो अगर उनको स्टोर करना है तो आप उनके चारों तरफ हल्का सा ऑयल लगा दें, फिर उसे एयरटाइट बॉक्स में रख दें तो वो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। या फिर आप उसका जूस निकाल कर उसके क्यूब से मार सकते हैं। और जो ऑरेंज या फिर लेमन की पील होती है उसको आप बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस के साथ एक स्प्रे रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, बट यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। आपको जस्ट ऑरेंज पील लेनी है, उसको विनेगर में डिप करना है और 3-4 दिन ऐसे ही छोड़ देना है, और उसके बाद आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छा और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस वाला स्प्रे आपका रेडी हो जाएगा। टिप नंबर 8 है अनियन को लेके। अनियन भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है समर में। अगर हम अनियन का यूज़ अपने खाने में मैक्सिमम करें तो ये लू से बचाता है। इसको सैलड में भी हमें यूज़ करना चाहिए समर में। और यहाँ पर जब भी आप अनियन को पील करें तो पहले उसे फ्रिज में रख दें, तो बहुत आसान हो जाता है उसे पील करना। कोई भी आंसू आपको नहीं आएंगे और वो ना आंखें आपकी जलेंगी। तो इस तरह से बहुत फटाफट आप अनियन को पील कर सकते हैं। अगर आप फ्रिज में नहीं रख रहे हैं तो पानी का एक बोल साथ में रखें और जैसे ही छिलका उतारते हैं आप उसको उसमें डाल दें। और इस तरह से जब आप अनियन काटते हैं, और कई बार कोई रेसिपी में अनियन पूरा यूज़ नहीं होता है और वो बच जाता है, तो उसका आप समर में क्या करें, क्योंकि बहुत जल्दी अनियन ख़राब भी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ अनियन स्लाइसेस हैं जो बच गई हैं। इन्हें सैलड में भी यूज़ नहीं कर सकती, तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि इनको डिप कर दिया है विनेगर और थोड़े से स्पाइसेस के साथ में। इसमें जस्ट रेड चिली और ब्लैक सॉल्ट डाला है। आपके पास चुकंदर है तो आप चुकंदर भी डाल सकते हैं। और इस तरह से हमारे ये सिरके वाले अनियन रेडी हो जाते हैं जो खाने में बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। टिप नंबर 9 में मैं आपको देने वाली हूँ एक टिप जो कि है हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए, और जो बहुत ही क्विक भी बन जाता है। जब भी हम कभी इस तरह की बीन्स को बॉईल करते हैं दाल बनाने के लिए, तो थोड़े से बीन्स आप निकाल के रख लें, चाहे वो राजमा हैं, छोले हैं, इस तरह से लोबिया है। तो इसको जब आप बॉईल करके साइड निकाल देते हैं तो जब भी आपको ब्रेकफास्ट बनाना है तो बहुत ही क्विक ब्रेकफास्ट से रेडी हो जाता है। यहाँ पर जस्ट मैंने हल्का सा ऑयल डाला, उसमें जीरा डाला और उसमें प्याज टमाटर और थोड़े से स्पाइसेस से इसे टॉप कर दिया है और इसे अच्छे से चला दिया है। और ये बहुत ही यमी सा और हेल्दी ब्रेकफास्ट रेडी है, और ये पूरे दिन आपके स्टमक को फुल भी रखेगा और प्रोटीन रिच है ये, तो आप ट्राई ज़रूर करें। टिप नंबर 10 में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की बात करने वाली हूँ जो समर में हमें यूज़ करना ही चाहिए। ये है बेजल सीड, यानी कि सब्जा सीड। ये इस तरह के ब्लैक कलर के सीड होते हैं और इनकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है, यानी कि ये समर में आपके स्टमक को बिल्कुल कूल रखेंगे। साथ में इनमें फाइबर बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर जस्ट एक स्पून को मैंने एक कटोरी पानी में डिप कर दिया था, और आप देख सकते हैं ये कितने जल्दी पानी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और काफ़ी अच्छे से फूल जाते हैं। तो यही प्रॉपर्टी है इनकी, जिसकी वजह से ये हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा रखते हैं। और इनकी तासीर ठंडा होने की वजह से इनको काफ़ी सारे समर ड्रिंक में आप यूज़ कर सकते हो। आप मॉर्निंग कोई ड्रिंक बना रहे हैं उसमें आप यूज़ करिए, या आप कोई वैसे ही नॉर्मल जूस बना रहे हैं उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये टेस्ट भी अच्छा देते हैं, साथ में इसके हेल्थ बेनिफिट इतने ज़्यादा हैं कि आपको ये यूज़ करना ही चाहिए। रॉयल फलूदा बना रहे हैं उसके साथ तो ये बहुत ही अच्छा जाता है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से थी आज की ये टिप्स एंड ट्रिक्स, होप आपको पसंद आई हूँ। अगर आपको पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।